بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو عدنان احمد एस्ट्रोलॉजर वायरल से ताले में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुर्ज जेमिनी यानी बुर्ज जौजा का फरवरी 2021 कैसा गुजरेगा, इस महीने क्या कुछ होने जा रहा है जेमिनी की लाइफ में। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं लेकिन आपसे वही दरख्वास्त दोहराते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये महीना फरवरी का महीना कैसा गुजरेगा, ओवरऑल जायज़ा आपको बताते हैं कि ये महीना पुरसकून रहेगा मगर काम की जगह पर आपके वर्क प्लेस पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा जो आपके जोश व खरोश को ठंडा कर देगा। यानी कि पहले से अगर आप किसी चीज़ के लिए पुरअज़म हैं और पहले से अगर किसी चीज़ के बारे में आप जोश व खरोश हैं, आपकी शादी हुई है या कोई और दीगर मामला की वजह से आप खुश हैं तो आपकी खुशियाँ मांद पड़ सकती हैं आपके एक वर्क प्लेस पर काम की ज़्यादती की वजह से। ये हो सकता है कि आपका जोश व खरोश ठंडा हो जाएगा। मोहब्बत की ज़िंदगी मजबूत रहेगी मगर आपको सेहत की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा खुद की केयर करने की ज़रूरत है, आप बीमार पड़ सकते हैं। बड़े माली रिस्क और फैसले लेने से परहेज करें। माली मामलात घट जाएंगे यानी कि पैसे की कुछ कमी हो सकती है और हाथ थोड़ा खींच सकता है इस महीने। घर और काम की जगह पर सीनियर्स का तआवुन आपको मैसर आता रहेगा, आपके घर के बड़े आपको सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ काम की जगह पर भी आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अब मरहला वार हम गुफ्तगू करते हैं एक एक टॉपिक पे। तब सबसे पहले बात कर लेते हैं मामलात मोहब्बत की, लव मैटर्स की। इस महीने मवाफिक साथी आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं मिला है, वैसे तो बहुत सारी जेमिनाई की शादियां हो चुकी हैं, कुछ की होने वाली हैं, कुछ की बात तय हो गई है और अगर नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। इस महीने कुछ ना कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्डिंग की तरफ जाएंगे। शादी के बारे में अगर नहीं सोचा है तो आप सोचेंगे। आपको आपके घर वाले इस मामले में हिमायत भी मिलेगी, आपको घर वालों की किसी भी गलत फहमी को खुद के दरमियान ना आने दें। यानी कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी किस्म की गलत फहमी जो है वो अपने दरमियान ना आने दें। इस महीने आप मोहब्बत के रिलेशन को एंजॉय भी करेंगे, मुस्तकबिल के बारे में भी मजबूत महसूस करेंगे और मुस्तकबिल के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि आपने ये करना है इन फ्यूचर अपने शरीक हयात के साथ। ये उनके लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और जो रिलेशनशिप में नहीं है उनके बहुत चांसेस हैं कि उनको रिलेशनशिप में बंद जाए। माली मामलात की बात करें तो इस महीने पैसे की कमी हो सकती है जो परेशानी का बाइस बनेगी, लेकिन अगर आप सख्त मेहनत करेंगे तो अचानक दौलतमंद भी हो सकते हैं। अखराजात ज़्यादा हैं, माली सूरत हाल हौसला अफजा तो नहीं है मगर फिर भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। ख़ानदान में गैर मुतवक्के अखराजात भी निकल सकते हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो एक आखिरी जो लाइन है जिसे मैंने कहा कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो ये कि किसी भी गैर मुतवक्के ख़र्चे के लिए आप तैयार रहें। और गैर मुतवक्के ख़र्चा जब आता है तो इंसान को परेशानी हो सकती है, और लेकिन जब आपकी सेविंग्स होंगी तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस मामले में भी आपको आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। कैरियर की बात करते हैं, मुलाजमत की जगह पे अगर आप मुलाजिम हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तरक्की भी मिलेगी मगर सख्त मेहनत है, मगर हो सकता है कि आप इससे मुतमईन ना हो उस तरक्की से। जहन में जो भी है बॉस से शेयर करें वरना मुस्तकबिल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आपके बॉस से आपको या आपके वर्क प्लेस पर कोई इश्यूज़ हैं, कोई टाइमिंग का इशू है, कोई दूसरे इश्यूज़ हैं, तो आप उसको अपने बॉस से ज़रूर शेयर करें वरना मुस्तकबिल करीब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी बन सकती है। सेहत की बात करें तो सेहत को खदशात मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने वीडियो के आगाज़ में ज़िक्र किया। बुनियादी वजह नामालूम तनाव होगा, अननोन प्रेशर जो है वो आप खुद के जहन पर स्ट्रेस, अननोन स्ट्रेस महसूस करेंगे। नामालूम बीमारी भी हो सकती है। आपके घर की जगह पर और काम की जगह पर बहुत सारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है, तो बेहतर ये होता है कि आप कुछ दिन की छुट्टी ले लें, आराम करें, ताकि आप फिर से ताज़ा दम होकर अपने काम की तरफ दोबारा लग सके। तालीम की बात करते हैं तो तलबा को सख्त मेहनत के नतीजे उनको मिलेंगे। इजाफी कोचिंग अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, जैसे ज़रूरत तो है इजाफी कोचिंग की। मेडिकल के तलबा
या लॉ के तलबा जो हैं उनके लिए ये महीना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले। इसके अलावा अगर बैरून मुल्क जाने की आपकी ख्वाहिश है तो वो भी उसमें भी जो है वो अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आपके रास्ते खुले में कोई रुकावट नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जाना चाह रहे होते हैं, मूड होता है, आपके इरादे भी होते हैं, पैसा भी होता है, मगर आप जा नहीं पाते क्योंकि तकदीर में नहीं लिखा होता। लेकिन इस महीने आपकी तकदीर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ने के बाद